हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब उपस्थित हैं, साथ ही में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, हमारे मीडिया के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि आज के पत्रकार वार्ता का विषय आप सबके बीच में रखें। आप सब लोगों का प्रेस वार्ता में स्वागत। राजस्थान में कांग्रेस आज 12 से अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश कर रही है और इस श्री गणेश के अंदर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़के वो उपस्थित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर भी उपस्थित हैं। ये तीनों किरदार वो हैं जो सितंबर के अंदर जब खड़के साहब आए थे तब खड़के साहब विधायकों का इंतजार करते रहे, विधायक नदार्द रहे और अपना त्याग पत्र लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास चले गए। त्याग पत्र स्वैच्छिक था या नहीं उसका आज भी फैसला उच्च न्यायालय में लंबित है। आज ये तीनों किरदार वहां उपस्थित थे और जिस मुद्दे को लेकर, ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर इन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है, उस मुद्दे का आधार लोगों को गुमराह करने के बाद साथ साथ असत्य पर टिका है। राज्यपाल का अभिभाषण सबसे संसदीय लोकतंत्र में सबसे पवित्र दस्तावेज के रूप में माना जाता है। इस बार जो 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में पढ़ा गया उसके पैरा 170 के अंदर इन्होंने ये कहा कि 2051 में ये ईआरसीपी की प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, यानी जिस ईआरसीपी को लेकर आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस प्रचार प्रसार अपना अभियान प्रारंभ कर रहे हैं वो महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलाते हैं विधानसभा में हम 2051 को पूरा करेंगे इसको। और 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 37,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी को बनाने में बजटीय प्रावधान किया है हमने। इनकी सरकार ईआरसीपी का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे, किसने मना किया इनको जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया। इस ईआरसीपी पर सबसे पहला ऐतराज जिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया वाटर इंडिपेंडेबिलिटी को लेकर, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 16 राष्ट्रीय परियोजना है, वो 16 राष्ट्रीय परियोजना उनको साफ कोई से बताना चाहिए कि उनके मापदंड और मानदंड क्या वो नहीं है जिन्हें उनकी खुद की सरकार ने प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे, उन मापदंडों के आधार पर उन्हीं के बनाए मापदंडों के आधार पर क्या ईआरसीपी खरी उतरी गई। ईआरसीपी का झुंझुना पकड़ा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ईआरसीपी का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। यह सरकार वही सरकार है जिस सरकार को जल जीवन मिशन के अंदर जिसने भ्रष्टाचार की भट्टी को जलाए रखा, 16.5 किलो सोना मिला और जिसमें 38,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जिसके लिए आवंटित किए और अब तक जिन्होंने 10,350 करोड़ रुपए खर्च किए। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि उन्होंने इस कानून व्यवस्था पर वो अपना मुख क्यों नहीं खोलते। राजस्थान के अंदर अगर मैं बीते 7 दिन की बात करूं, राजस्थान के अंदर 21 हत्याएं और 34 बलात्कार हुए हैं,
अगर मैं बीते एक दिन की बात करूं, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का अपराध और अपराध घटित हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों में रामगढ़ में एक नौजवान को चाकुओं से कोद कर मार दिया गया, जयपुर के मानसरोवर में एक नौजवान की हत्या होती है, भीलवाड़ा के कोटड़ी में नरकंकाल मिलते हैं, भीलवाड़ा में इस होटल संचालक को पीट पीट कर मार देते हैं, दूदू के अंदर एक पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या होती है, और विद्याधर नगर के अंदर राजधानी के अंदर गोल्डी बराड के नाम से रंगदारी मांगी जाती है। आज हालत यह है कि राजस्थान के अंदर 6 महीने के अंदर जो 1,24,798 अपराध दर्ज हुए हैं उनमें चलान सिर्फ 33,261 का हुआ है। अपराध और अपराधी दोनों भयमुक्त है, और अब आचार संहिता लगी, सचिवालय के दरवाजे आचार संहिता की रात को खुले रहे। आनंद फानंद के अंदर आरपीएससी में 3 लोगों को नामजद किया, संवैधानिक संस्था में नामजद करने के बाद एक सदस्य का नाम लेकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझसे गलती हो गई, तो क्या बाबूलाल कटारा जिनको उन्होंने नामजद किया था, जो खुद पेपर चोर करते पकड़ा गया, वो गलती नहीं थी, उसके लिए कौन माफ करेगा इनको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अब आज भी सभा में कहा कि मेरे 7,56,00,000 गारंटी कार्ड है, उन गारंटी कार्ड पर उनकी तस्वीर भी है, वो गारंटी कार्ड इस सरकार की जाने की गारंटी बनेंगे। और आज इन्होंने जिस प्रकार राजस्थान को आर्थिक आपातकाल में ढकेला है, राजस्थान में राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाकर 1,000 करोड़ रुपए हाउसिंग बोर्ड को इस कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किए लोन लेकर, फिर अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर किए, रिको से 1,000 करोड़ रुपए और 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने आरटीडीसी से लिए। आज हालत यह है, जिस ओपीएस की दुआई सरकार देती है उसकी ब्रांड एम्बेसडर जिस टीचर राजकुमारी जैन का नाम इन्होंने फोटो छापा वो भी कहती है मुझे भी ओपीएस का लाभ नहीं मिला। सरकार नए जिलों की घोषणा करती है, सुजानगढ़ मालपुरा कुचामन का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो पाता, 19 दूसरे जिलों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी उन जिलों के नहीं पुराने जिलों के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि जिले के अंदर जो आधारभूत संरचनाएं होनी थी वो नहीं की। और कुल मिला के इस सरकार ने राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर ढकेल दिया, जीएसडीपी का 41% लोन ले लिया, और ये अब अपने अपराध जो उन्होंने खुद ने किया जिस प्रकार की घोषणा की उससे बचने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान को पूर्णकालिक गृह मंत्री इसलिए नहीं मिला कि मुख्यमंत्री जी को अपने साथियों के निगरानी रखने के लिए पुलिस का भेजा इस्तेमाल करना था। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान में अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है, और राजस्थान की सपनों की सौदागर सरकार सपने बेचने में लगी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं, और इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि हम बिना चेहरा इस बार चुनाव मैदान में हैं। ये सारे सवाल इस बात को सिद्ध करते हैं कि आपाधापी का वातावरण बना है और इस सरकार की विदाई का समय है। मैं आपके सामने सरकार ने जो अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जो बोली उसका दस्तावेज, और जो 21-22 में बजट में इन्होंने उस योजना को पूरा करने के लिए 37,000 करोड़ की घोषणा की वो भी आपके सामने जो आपको वितरित करूंगा। कुल मिला के इन दो विषयों पर मुझे आपसे बात करनी थी, अब आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार। प्रश्नों के लिए एक बार हम ईआरसीपी के संशोधित रूप को और इसको अच्छा करके राजस्थान में, हालांकि हम अभी हमारा संकल्प पत्र आएगा उसके अंदर सारे विषय आएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस ईआरसीपी को बनाया, ईआरसीपी को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी।
मेरा सवाल ये था कि अशोक गहलोत कल आरोप लगा रहे हैं कि 14 बार ईडी आ गई है पिछले 3-4 महीने के अंदर, कांग्रेस नेता ने कार्रवाई नहीं की है, ये केवल पूरा करने के लिए और भाव बढ़ाने के लिए। देखिए 16.5 किलो सोना मिलता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के नेता के पास नहीं मिला। कांग्रेस के नेता गोपाल गेसावत गिरफ्तार होते हैं तो भी कहते हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। ये खिसियानी खोसी खंबा नोचे वो भी बिना नाखून के, उस तरह की बात है। देखिए मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस है हमारा कार्यकर्ता कहीं विरोध कर रहा होगा। मैं अभी खुद ही शेखावाटी के दौरे से आ रहा हूँ, हमारे सभी लोग एकजुट है, छोटी मोटी कोई परिवार की बात होगी उसको हम सुलझा लेंगे। हम कांग्रेस की तरह हम ये नहीं कहते कि जिस प्रकार उनमें बंदरवाट हो रही उस तरह हमारी संस्कृति नहीं है। देखिए मैं इन बातों को इसलिए नहीं मानता कोई किस संदर्भ में कही गई, ना तो मैं कभी दौड़ में था ना हूँ ना रहूंगा, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, इसलिए ये बातें काल्पनिक बातें हैं। आशीष जी राठौर साहब, ईआरसीपी पे आप बात कर रहे हैं, ईआरसीपी को निरंतर बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप उसी को बात कर रहे हैं, तो क्या ईआरसीपी पे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और क्या भाजपा इससे कहीं डर महसूस कर रही? बिल्कुल डर महसूस नहीं कर रही। दौसा की सभा में प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि इसको हम राष्ट्रीय परियोजना नदी से नदी जोड़ने के लिए इसको परियोजना बनाएंगे, एक बार भी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। यहाँ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आए, उन्होंने कहा ईआरसीपी में तकनीकी रूप से जो कमियां आओ बैठकर दूर करें, उनकी बैठक का बहिष्कार किया। सर्वदलीय बैठक हुई ईआरसीपी में, मैंने खुद ने कहा था हम आपके साथ चलेंगे, सीडब्ल्यूसी में चलेंगे, चलिए हमारे साथ चलिए, आपका आप जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश एतराज कर रहा है उन मुद्दों के बारे में दिल्ली की सरकार से बात करेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ाए। ईआरसीपी में गंभीर होते तो राज्यपाल के अभिभाषण में 2051 नहीं लिखते, ये 2051 में ईआरसीपी पूरा करने का संकल्प लेने वाली सरकार अब ईआरसीपी को लेकर जन जागरण कर रही है, यह इनकी बात इनके खुद के दस्तावेज सिद्ध कर रहे हैं कि इनकी बात में कितना दम है। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ऐसा समुद्र है उसमें कई नदियां समा सकती है, शुद्ध हो जाती है, इसलिए जो भी आएंगे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात पीयूष जी। यदा कदा कोई किसी छोटी मोटी बात में गैर कार्यकर्ता द्वारा कुछ बात की गई उसको हमारी पार्टी का विरोध मत माने आप, विरोध तो कांग्रेस का है, जहां कांग्रेस के नेताओं को बार बार जगह बदलनी पड़ती है और कांग्रेस के विरोध तो कांग्रेस में, इसीलिए एक सूची भी जारी करने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं किया। देखिए बीजेपी के पदाधिकारी ये छोटी मोटी कोई बात होगी हम अपने परिवार की बात परिवार में समेट लेंगे। हमने चुनाव आयोग को लिखा भी है, हमने ये भी लिखा है कि चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड हो, चाहे चिरंजीवी कार्ड हो, इनके अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो है, चाहे बिजली का बिल हो, अभी लेटेस्ट जो बिजली का बिल है उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो आई है। हमने एतराज किया है कि ये आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। जितेंद्र जी हमने आपत्ति चुनाव आयोग को हम लिख कर दे रहे हैं, हमने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको और आपत्ति दर्ज करवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए आ गया वो विषय आ गया एक बार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।